शूट करने लगे हैं प्रोडक्ट साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल बेसिकली जो हेक्शर रोलन की अजम्पशन के वायलेट करने की एक थ्योरी है प्रोडक्ट साइकिल। तो प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी बेसिकली कहती क्या है और ये कौन सी थ्योरी कौन सी अजम्पशन के खिलाफ आई थी? एक अजम्पशन थी कि अगर एक कंट्री जो है वो एक्स को एक्सपोर्ट करती है तो पूरे टाइम उसको एक्सपोर्ट ही करती रहती है, या अगर वाई को इम्पोर्ट करती है, अगर ये एक कंट्री का केस है तो जब तक वो कंट्री सलामत है या ये जो ट्रेडिंग पार्टनर उसका वो सलामत है तब तक इनका यही सिलसिला चलेगा, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं आ रही। तो इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ जो हम थ्योरी लेके चल रहे हैं वो किसी एक गुड के बारे में होगी और हम उसी को ही सीधा कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो मैं जैसे जैसे इसको कर रही हूँ वैसे वैसे इसको समझिएगा। तीन स्टेजेस की बुनियाद के ऊपर जो है ये एक गुड की कहानी चल रही है। कहानी के तौर पे समझ लें, कहानियाँ फिर याद रह जाती हैं, लेक्चर याद नहीं रहती। ठीक, अब एक गुड की प्रोडक्शन शुरू होती है। ठीक है, मैं पहले इसको तीन स्टेजेस में यहीं पर बांट लेती हूँ, स्टेज 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहले मैं स्टेज 1 पर। स्टेज वन पे क्या हो रहा है कि ये आपके एक गुड की प्रोडक्शन हुई, यानी कि न्यू डिस्कवर हुआ। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये, मगर एक दिखने के हिसाब से तो स्ट्रेट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन शुरू हुई, जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी ही वो कंज्यूम हुई। ठीक है, यानी कि बिल्कुल न्यूली डिस्कवर्ड गुड है। अभी डिस्कवर्ड हुआ है तो लोगों ने अभी इतने खास डिमांड नहीं, क्योंकि लोगों को अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं। ठीक है, अब मैं प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ द गुड को दो डिफरेंट कलर से रिलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो द सप्लाई ऑफ गुड गेट्स हायर एंड डोमेस्टिक डिमांड। तो ये रेड से हो गया डोमेस्टिक की डिमांड या डोमेस्टिक की कंजम्पशन, यानी डोमेस्टिक कंट्री की कंजम्पशन ऑफ द स्पेसिफिक गुड, और ब्लू से मैंने क्या किया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द गुड। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और कंजम्पशन कम है तो ये वाला एरिया हो जाएगा एक्सपोर्ट का, यानी कि एट स्टेज 2 डिस्कवरिंग कंट्री एक्सपोर्ट्स द गुड, स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड बिगिन। ठीक है, स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि अब डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इस गुड की कम है, यानी कि अब इम्पोर्ट कर रही है। अब इम्पोर्ट करने का मतलब ये है कि बाहर सी बात है बाकी सारी दुनिया में इसके प्लांट्स लग गए हैं, यानी कि अब वो इस गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेज 3 पे इम्पोर्ट ऑफ द गुड टेक्स प्लेस, एंड अब वो इम्पोर्ट कर रहा है, यानी कि उसने अपने पास से उस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया है, वो बाहर से मंगवा रहा है, क्योंकि बाहर वाली जगहों पे इस गुड की जो है वो लग गई है, इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं। तो जब उसने इसकी इंडस्ट्री यहाँ ख़त्म की तो उसने 17 एक नया काम शुरू किया, तो उसने न्यू डिस्कवरीज या इन्वेंट्रीज पर काम शुरू किया। इन्वेंट्रीज ठीक है, कमिंग सून लिख देती हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यानी कि स्टेज 3 में वो इम्पोर्ट कर रहा है गुड को, इम्पोर्टिंग हो रही है, और वो पूरी जो है
उसने इस गुड को, यानी इसने इस गुड को डिस्कवर किया है इस कंट्री ने, और वो ही इस गुड की अब प्रोडक्शन को जो है वो ख़त्म करके उसको बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, और साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, एक नए गुड पे इन्वेंशन पे काम शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट साइकिल। ये जी।